के जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही है काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप है। इसका और कोई भी पर्याय नहीं है, इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता। आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर, वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा, हर पोर्ट में घुसा हुआ है, उसको भी फेक न्यूज बता देंगे, उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे। तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाते दबाते सरकार अब स्वच्छंद मीडिया, सरकार अब पूरी तरह से सेंसरशिप पर उतर आई है।